फोटो नहीं आई है। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, सह आचार्य LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम BCom पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता पेपर के टॉपिक ग्रामीण विकास की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग भारत देश में निवास करता है। भारत गांव का देश है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत गांव का देश है जिसकी आत्मा गांव में निवास करती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण भारत 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 29+7 में तथा लगभग 675 जिलों में बटा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 1.21 अरब हो गई है। और भारत की आबादी 6.41 लाख गांव में निवास करती है और 2011 में शहरों की संख्या 7,935 रही है। ग्रामीण जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त है, अभिशाप से पीड़ित है। इसलिए भारत की अधिकाधिक गांव में निवास करने वाली जनता के लिए ग्रामीण विकास अति आवश्यक है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यदि देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है या विकास नहीं कर पाती है तो इसका सारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत रोजगार की दृष्टि से आज भी एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार या प्राण है। भारत के कुल GDP सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17.4% कृषि तथा उसकी सहायक क्रियाओं से प्राप्त होता है। देश के निर्यातों में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। और वर्तमान में विश्व निर्यातों में भी भारत का 10वां स्थान है। कई बार प्राकृतिक प्रकोपों अथवा अन्य कारणों से देश की कृषि को नुकसान पहुंचता है तो उसे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाती है बल्कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण विकास की अवधारणा को अंगीकार करते हुए अधिकाधिक ग्रामीण विकास करने की ज़रूरत शुरू से ही रही है ताकि भारत का विकास हो सके।
ग्रामीण विकास की अवधारणा के बारे में हम बात करें हैं तो कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास से तात्पर्य गांव के समग्र विकास से है, और ग्रामीण विकास का विस्तृत अर्थ जानने के लिए गांव तथा विकास, ग्रामीण तथा विकास का अर्थ जानना जरूरी है। एक सामुदायिक इकाई जहां एक निश्चित संख्या में लोग निवास करते हों गांव कहलाता है। 1981 की जनगणना में शहरी क्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया था, समस्त स्थान जहां पर नगर निगम अधिसूचित नगर क्षेत्र सीमित कंटोनमेंट बोर्ड आदि हैं, अन्य समस्त स्थान जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या, कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या ऐसी जो गैर कृषि कार्यों में लगी हो, और कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी का जनसंख्या घनत्व। यद्यपि भारत के जनगणना विभाग ने गांव को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन उपयुक्त वर्णित शहरी क्षेत्र की परिभाषा के आधार पर गांव को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि 5,000 से कम जनसंख्या जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम हो, उसे ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा दी जा सकती है। विकास का जहाँ तक प्रश्न है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों के द्वारा लोगों के जीवन स्तर की वर्तमान परिस्थितियों में सुधार किया जाता है तथा भविष्य में और अधिक सुधार का प्रयास किया जाता है। विकास में मानव जीवन के सभी पहलुओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, तकनीकी इत्यादि पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। अतः विकास का संबंध मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से है। गांव तथा विकास के अर्थ के आधार पर हम निष्कर्ष बतौर कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास का संबंध गांव के सर्वांगीण विकास से है। एक उपयुक्त परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य एक ऐसी व्यूहरचना स्ट्रेटेजी से है जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा उनकी आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।